बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है उसकी तरफ रुख करते हैं। यूपी में हार के बाद अब देखिए अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया। पहला बयान उनका सामने आया कि हमारी सीटें ढाई गुना और मत प्रतिशत डेढ़ गुना यहां पे बढ़ा है। इसके साथ ही देखिए उन्होंने कहा कि हमने दिखा दिया कि बीजेपी की सीटें घटाई जा सकती है। बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा आधा भ्रम दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में दूर और हो जाएगा। जनहित का जो संघर्ष है वो जीतेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार देखिए अखिलेश यादव काफी ज्यादा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे थे, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उनका ये रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि आधा भ्रम दूर हो जाएगा, बाकी कुछ दिनों में जो भ्रम है वो भी हम दूर करेंगे। समाजवादी बबुआ ने चुनावी जंग में खूब तीर चलाए, कई दांव आजमाए, जीत के खूब दावे किए, समर्थकों को सत्ता में वापसी के खूब ख्वाब भी दिखाए, लेकिन बबुआ के हर दांव पर बाबा का पैंतरा भारी पड़ गया। यूपी की जनता ने बुलडोजर वाले बाबा पर फिर से भरोसा जताया है और बबुआ को एक बार फिर से विपक्ष में बैठने का फरमान सुनाया है। हालांकि 2012 में 47 सीटें जीतने वाले अखिलेश इस बार अपने दम पर 111 सीटें जीतने में कामयाब रहे। अखिलेश ने पिछली बार से सीटें बढ़ाने के लिए जनता का धन्यवाद दिया है और बीजेपी पर फिर से हमला बोला है। नतीजे आने के बाद अखिलेश ने पहला ट्वीट किया है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें ढाई गुनी और मत प्रतिशत डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं के देख लेने, निपट लेने, पूरा हिसाब किताब कर देने जैसे धमकी भरे बयान उन्हीं पर भारी पड़ गए। एसपी के नेताओं और खासतौर से वर्ग विशेष के नेताओं की ओर से दिए गए इन बयानों ने जनता में खौफ पैदा किया और लोगों ने बेहतर कानून व्यवस्था का दावा कर रही बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा जता दिया और ऐतिहासिक जीत उसकी झोली में डाल दी। समाजवादी पार्टी के खाते में 111 सीटें आई हैं, जबकि उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को 8 और राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अंजीत गोरखपुर से है, मीनाक्षी लखनऊ से है। अंजीत, पहले आपके पास आते हुए कल की तस्वीरें तो सभी ने देखी, आज क्योंकि अब चर्चा है मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, चर्चा है क्योंकि मीटिंग का दौर अब है वो शुरू हो गया है, तो ऐसे में अब गोरखपुर में क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है आज? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर में जो जितने विधायक हैं कल शाम को पहुंचे थे गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन आज की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आज जो बीजेपी के सहयोगी हैं डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, वो अब से कुछ देर पहले गोरखनाथ मंदिर में गए थे और अब मैं आपको तस्वीरें आए दिखाता हूं। यहां पर निषाद राज मंदिर है, यहां पर आए हैं डॉक्टर संजय निषाद। उसके बाद यहां से संभवतः सीधे वो लखनऊ जाएंगे, क्योंकि ये चर्चा है कि उनके कोटे से भी 2-3 लोग मंत्री बन सकते हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं, क्योंकि वहां पर लगातार स्वागत समारोह का कार्यक्रम भी यहां पर चल रहा है। ये देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, इस वक्त निषाद राज मंदिर में हैं डॉक्टर संजय निषाद। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि वो यहां भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहां से वो सीधे संभवतः लखनऊ जाएंगे अपने तमाम विधायकों के साथ। जो 6 की 6 जो सीटें थी वो निषाद पार्टी ने जीती। ये देखिए तस्वीरें, यहां पर पहुंचे हुए हैं डॉक्टर संजय निषाद और उसके बाद संभवतः लखनऊ जाए, क्योंकि अब जो रेस है वो रेस दरअसल मंत्रिमंडल की है और अब जो रेस है वो मंत्रिमंडल में शामिल होने की रेस है, तो इसलिए यहां से संभवतः वो लखनऊ जाएंगे और वहां पर मुलाकात करेंगे। जितने गोरखपुर के विधायक हैं लगभग वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और ये देखिए डॉक्टर संजय निषाद जो इस वक्त पूजा करते हुए नजर आएंगे आपको, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, जीत से बहुत खुश हैं इस वक्त और मंदिर में आए हैं। वो निकलेंगे बाहर तो उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा पद लेने जा रहे हैं सरकार में। हमने उनसे पहले भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये संगठन और पार्टी तय करे, लेकिन पहले जीत जरूरी है। अब जीत हो चुकी है तो जीत के बाद कौन सा पद मिलेगा, क्या रहेगा, ये देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप मंदिर में हैं और इस वक्त पूजा कर रहे हैं। रखें अंजीत, आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल मेरी एक सहयोगी मीनाक्षी भी जुड़ चुकी है लखनऊ से। मीनाक्षी, लखनऊ में कल हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से भगवा रंग से होली हुई, इतना उत्साह था कार्यकर्ताओं में, अब शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, लेकिन फिलहाल आप वहां पे क्या कुछ देख पा रही है, वहां से क्या तस्वीर है? तो
बिल्कुल करिश्मा, देखिए होली से पहले भगवा होली की तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूं। तस्वीरें भी मैं आपको चाहूंगी दिखा दें मेरे कैमरे पर्सन। देखिए यहां पर फोर्स जो है वो मौजूद है, पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है, और क्योंकि सुबह से ही यहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। सुबह देखिए यहां पर बृजेश पाठक आए, राजेश्वर सिंह आए, उसके बाद यहां पर अनुप्रिया पटेल और सांसद रवि किशन भी यहां पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने, उनको बधाई देने के लिए। और उसके बाद ये बताया गया है कि शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल है उनकी एक बार बैठक हो सकती है, तमाम जो मंत्री हैं उनको बुलाया जा सकता है। यहां पर आपको बता दूं खाने पीने की तैयारी वो भी अंदर चल रही है, क्योंकि शाम को मंत्री यहां पर आएंगे, उनके साथ मुलाकात होगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कल नव निर्वाचित जो विधायक हैं उनके साथ भी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। लेकिन जो नव निर्वाचित विधायक है वो आज भी पहुंच रहे हैं यहां पर बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो लगातार जो लोगों को आने का सिलसिला करिश्मा है वो यहां पर जारी है, क्योंकि बंपर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में। और ये देखिए इतिहास भी यहां पर एक बार फिर से रच दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरी बार यहां के सत्ता पर काबिज होंगे, बतौर मुख्यमंत्री यहां पर जो अपना कार्यकाल है उसका निर्वाह करेंगे। तो ये लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं, तस्वीरें भी देखिए दिखा रहे हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे जो तमाम मंत्री है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीर भी हिंदुस्तान सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगा, क्योंकि आज यहां पर बैठक होगी। कई ऐसे मंत्री देखिए करिश्मा है, 10 से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जो इस बार के चुनाव में अपनी ही सीट हार गए हैं, तो ऐसे में उनको इस्तीफा देना होगा, मंत्रिमंडल से बाहर होंगे, तो जाहिर तौर पर पहले उनसे मुलाकात होगी, बधाइयों का सिलसिला चलेगा, और उसके बाद इस्तीफे के बाद नए मंत्रिमंडल की तैयारी बढ़ जाएगी। हर किसी की निगाहें अब देखिए करिश्मा शपथ ग्रहण की तारीख पर भी है, जिसके लिए अंदेशा भी जताया जा रहा है कि 14-15 वो तारीख हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक दिन ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी एक दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ले लें, उनका जो नया मंत्रिमंडल होगा, 2-4 मंत्री भी उस दिन उनके साथ शपथ ले सकते हैं।